Shut up and sit down. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रहा हूँ डीकैथलॉन। यार एक्चुअली में डीकैथलॉन मुंबई में बहुत कम है, पहले क्या अभी भी मीरा रोड में है। अगर मुझे डीकैथलॉन से कुछ लेना होता था तो मुझे मीरा रोड जाना पड़ता था। तो अभी क्या है, मलाड वेस्ट में आ गया है तो वहाँ मतलब खुल गया है, तो वहाँ मैं और दीपक जा रहे हैं। देखिए भाई साहब कहाँ भागते हुए, कहाँ भाग के जा रहे हैं। अरे रुको भैया, कहाँ चले जा रहे हो। अरे गाय माता कहाँ घूम रही हो आप। लोग अपनी गायों को पालते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं सड़क पे। तो हम जा रहे हैं अपने दीपक के घर, मेरे फ्रेंड के घर। उसको मैं ले लेता हूँ घर से। हाँ भैया चला, चलिए चलिए। ये देखिए इनको देखिए, और लोग रास्ते में बात, हाँ रास्ते में फ़ोन करते हुए जा रहे हैं। और हाँ भाई साहब बड़े गलत तरीके से स्कूटी चला रहे हैं, और अभी हो जाता कुछ हैप्पी बर्थडे, और जब आगे निकल गए तो बोले अरे हाथ दे के करो, इट्स ओके सॉरी। भाई तुम्हारी सॉरी में तो मेरी तो अभी लग जाती ना। अभी हो जाता हैप्पी बर्थडे, उनका भी होता और हमारा भी होता तो लोग ये ओके। हाँ ये आ गया अपना डीकैथलॉन। आगे से यू टर्न करना पड़ेगा। इधर है, इधर है, आगे तो अपने को ये लेफ्ट लेना है। लिखा तो है कि 6000 से स्टार्टिंग है साइकिल, अंदर जाके देखते हैं सच में है कि नहीं। तो 6000 रुपए से साइकिल यहाँ पर स्टार्ट है, ये लगा रखा है। लेकिन जो 6000 रुपए की जो साइकिल होगी ना, वो विदाउट गियर वाली होगी। हाँ, है ना? नहीं होगा, और हो सकता है 24 इंच हो छोटी वाली। अच्छा, ये भैया कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो, नहीं कुछ बोल दो। अब तो कोविड वोविड खत्म हो गया, तो मास्क कहाँ लगाया भैया? चालू हो गया वापस सर। वापस चालू हो गया दिल्ली में। दिल्ली से बॉम्बे कितनी दूर है सर? दिल्ली से बॉम्बे दूर नहीं है, दिल्ली भी मजा आने वाला है अंदर। तो अभी हम लोग को आने वाला है मजा। हेलो,
तो हम लोग आए हैं क्या देखने, साइकिल देखने। किधर वो ना हम इसमें साइकिल ला लेंगे। एक्चुअली तो ये दीपक कह रहे हैं कि हम लोग साइकिल ना इसमें बास्केट में डालेंगे। और क्या चाहिए भाई, 400 में कच्चे भी करें ब्रांड। और भाई साहब क्या चाहिए, 400 में कच्चे मिल रहे हैं और क्या लोग ब्रांड वाले। और ये आ गए हम साइकिल डिपार्टमेंट में। तो ये है साइकिल डिपार्टमेंट। जरा उनको बुलाया जाए, भाई साहब, भाई साहब जरा आइए। आएंगे जरा बताएंगे, कोई साइकिल के बारे में कौन बताएगा, साइकिल के बारे में कौन बताएगा, आइए 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 रोड साइकिलिंग के लिए जो वो टाइप की साइकिल्स है रोड बाइक्स, आप चाहे तो कैमरा वहाँ पे टर्न करके दिखा सकते हो। रोड बाइक्स बेटर होती है अकॉर्डिंग टू यू नो फॉर स्पीड, स्पीड के हिसाब से, और काफ़ी लाइट वेट होती है। सो रोड बाइक्स का परफॉर्मेंस वैसे काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आप रफ ट्रेल्स पे चला रहे हो फॉर एग्जांपल, जहाँ पे रोड्स का कंडीशन इतना अच्छा नहीं, तो ये टाइप की साइकिल्स काफ़ी बेटर रहेंगी, माउंटेन बाइक्स। जी वाली हाँ, ये माउंटेन वाला है। माउंटेन बाइक ये कितने का है? ये स्टार्ट होता है 18,000 से। सो आगे आगे रेंजेस जाते हैं इसके अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक। माउंटेन बाइक है जो कि 18,000 से स्टार्ट होता है। सो इफ आप रफ टेरेन्स में चलाते हो, सो आप देख सकते हो इसके टायर्स पे ग्रिप्स है, सो वो आपको हेल्प करेगा यू नो रफ टेरेन्स में। इसमें सस्पेंशन दिए हुए जो आपको स्पीड मेंटेन करना और जर्क्स में हेल्प करेगा। और इसका बॉडी भी लाइक एल्यूमिनियम मटेरियल है जो लाइट वेट कंपेयर टू दोज लेजर साइकिल्स। लेजर साइकिल्स एक ऐसा टाइप ऑफ सेगमेंट है जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस साइकिलिंग करेंगे 5-10 किलोमीटर, जो खाली स्टार्ट आउट कर रहे हैं अभी, सो उनके लिए ये मेटल फ्रेम में बनी है सारी। सो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से लीजर साइकिल्स काफ़ी अच्छी है। इसमें नॉन गियर साइकिल्स भी अगर चीप एंड बेस्ट में जाते हैं 8-10,000 में तो जाते हैं, तो क्या बेस्ट है? लीजर साइकिल्स ये भी आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर 8-10,000 में जाते हैं तो वो ये साइकिल है। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 10,000। 10,000 में विदाउट ए सीरीज? हाँ, विदाउट सारी साइकिल्स, विदाउट एसी साइकिल। कितने की? इसमें कितने की है? इसमें भी 7 की है। अच्छा, तो ये भी तो हम रोड रोड्स के लिए चला सकते हैं। दीपक तुम्हारे पास कौन सी है? मेरा तो शायद ऐसी है, यही तुम्हारे पास? मेरे पास 21 गियर वाली है। 21 आगे तीन होते हैं ना, तो 7-3-21 वैसा ज्यादा कर लेते हो। ये साइकिल इसमें 3x7। हाँ वही, इसको बोलते हैं 21 गियर। पीछे 7 होते हैं और आगे 3 होते हैं, तो 7-3-21 ऐसा कैलकुलेशन बनता है। तो और एक टाइप है, एक और टाइप बताएंगे, इसको बोलते हैं हाइब्रिड साइकिल। हाइब्रिड साइकिल्स में क्या होता है, इसमें माउंटेन बाइक्स और रोड बाइक्स दोनों के फीचर्स होते हैं।
सो अगर आप कंफर्ट पर्पज से चलाना चाहते हो साइकिल तो दिस इज द बेस्ट, बिकॉज इसमें आपका जो पोजिशन रहेगा राइडिंग वो एकदम अपराइट रहेगा सर। तो ये अगर मैं रोड और माउंटेन दोनों को ऐसी साइकिल में जो दोनों में कवर करें, अगर आप टूरिंग पर्पस से टूरिंग टूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बेटर है, फिर माउंटेन हो या रोड हो कैसी भी सड़क हो ये उसके लिए बेस्ट होगा। आदमी बने क्या ही लोगे यार 799 में, क्या इससे तक क्या लोगे यार, इससे सस्ता नहीं मिलने वाला बॉस। एयर आने जाने के लिए भी डीकैथलॉन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं एयरपोर्ट की क्योंकि मैं जा रहा हूँ। अगर हम बैग लेंगे तो 12 रुपीज देना पड़ेगा। सुना मैडम हमारे साथ में हैं जिन्होंने ये डीकैथलॉन में बिलिंग काउंटर में है, इन्होंने हमारे चैनल का नाम पूछा, चैनल का नाम क्या है तो आप बोलो ना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हाँ थैंक यू सो मच। और इनसे मैं कह रहा हूँ आप जो भी आपकी फ्रेंड्स इनसे तो उनसे आप बोलिए कि लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो पसंद शेयर करें कमेंट करें सब करिए जो करना है करो यार, अच्छा करो बुरा करो पर करो भैया करो।